आश्रय से ओबीसी कोटे से मंत्री बनी रक्षा खडसे, से बात की हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने। क्या कहा रक्षा खडसे ने, आप सुनिए। हमारे साथ है रक्षा खडसे, जिन्होंने मोदी सरकार 3 यानी कि एनडीए सरकार 3 में राज्य मंत्री पद इनको मिला है, शपथ भी ली है, हमारे साथ मौजूद है। रक्षाताई, आपको ये प्रधानमंत्री जी ने आपके ऊपर विश्वास रखा है, आपने राज्य मंत्री पद आपको मिला है, किस तरह की भावना है और क्या आपका विजन होगा अभी आगे? देखो, ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि 10 साल से मैं सांसद के रूप में मैं काम कर रही थी, मोदी जी की टीम में काम कर रही थी, और मुझे जब 2014 में पहली बार चुन के सांसद के रूप में यहाँ पे आई, तभी भी मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्षण था, क्योंकि मोदी जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिलने वाला था, और 10 साल का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करने का, क्योंकि आज मेरे जैसे युवा, उनको एक अच्छा अगर दिशा मिलती है और उनको काम करने की एक ताकत मिलती है और एक ऊर्जा मिलती है, और मोदी जी का जो विजन है हमारे देश को लेके वो बहुत अलग है, उनको हमारे देश को बहुत आगे लेके जाना है, और मुझे आज गर्व की बात है मेरे लिए कि आज उनके साथ उनकी टीम में मुझे काम करने का एज अ मिनिस्टर अभी मौका मिलने वाला है, तो डेफिनेटली जितना हो सके उतना हमारे देश के लिए मैं काम करने की कोशिश करूंगी। जी, कल प्रधानमंत्री जी ने आपको, आप सब लोगों को बुलाया भी था, बातचीत भी की, मार्गदर्शन भी किया, शाम को नड्डा जी के यहाँ पर भी आप लोग मिले थे, क्या मार्गदर्शन किया, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने बताया कि कैसे काम करना है, कैसे आगे लेके जाना है देश को? देखो, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, सब नए हैं अभी, कहीं मतलब कहीं मिनिस्टर सीनियर भी थे, हम जैसे कई नए भी थे, उन्होंने जैसे एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सब लोगों को टीम में रह के काम करना है और अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखना है, यहाँ भी आपको प्रेजेंट रहना है, और हमारे देश के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या योगदान देते आएगा इसके लिए सबको प्रयास करना है। जी, आप महिला है, अभी तो पोर्टफोलियो जो भी मिलेगा, क्या उम्मीद है आपको और किस तरह से आप लेके जाएंगी, खासतौर पर अगर कोई महिला से संबंधित मिलता है या जो भी मंत्रालय मिलता है? देखो, ये मेरे लिए मतलब मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी आशा के साथ मैं काम नहीं कर रही हूँ कि मुझे कोई पद मिलना चाहिए, पहले से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता मैं रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता मैं प्रथम आती हूँ, और जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से मिलेगी उसे पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत के साथ मुझे आके लेके जाना है, इसलिए मेरे मन में ये आज सवाल नहीं कि मुझे ये पोर्टफोलियो मिलना चाहिए या वो मिलना चाहिए, अगर आपको काम करना है जिस भी स्थिति में आपको अगर मौका मिलता है तो आपको काम आगे लेके जाना है। महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार एनडीए का वहां पर महायुति का प्रदेश, कास्ट इक्वेशन, रीजनल इक्वेशन ध्यान में रखते हुए 6 मंत्री पद मिले महाराष्ट्र के हिस्से में, आने वाले 6 महीने में वहां पर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, किस तरह से पार्टी को मजबूत आप करने जाएंगी, क्या आपका विजन होगा वहां पर, क्या प्रायोरिटीज होगी आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक संगठन के माध्यम से काम करती आई है और आज भी संगठन के माध्यम से ही काम करती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र जी है, उनके नेतृत्व में आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए हम सामने जाने वाले, आज हम भी उनके एक टीम का हिस्सा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय देवेंद्र जी आने वाले चुनाव में और हम सब मिलके कार्यकर्ता बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल के विधानसभा के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे चुन के आएगी।